ना असी समझते हैं अगर झूठ ना बोलिया साडा सौदा नहीं विकना है, अगर घट ना तोलिया तो साडा घर नहीं चलना है, अगर दुध अंदर पानी ना पाया तो साडा घर नहीं चलना है। असी मिर्चा तक दे अंदर मिलावट साडे अंदर, हलाल तो असी दूर हाँ हराम नू पसंद करते हैं। और जाइए जाइए सिर्फ दुकानदार और बिजनेसमैन नहीं पूरे मुआशरे के अंदर, मैं कहा करदा अला वजहिल बसीरत कहना चाह उला मां तो लैके सियासतदान होए आलमे दीन होए, अज हर बंदा जनाब अफसर शाही होए, हर बंदा करप्ट हो चुके है। मिंबर ते खड़ा खतीब दे अंदर भी लालच और तमा आ चुकी है, अखलास नहीं। और अफसर जो बैठा है रिश्वत तो बगैर कोई काम साडे मुल्क दे अंदर नहीं। और साडी गुरबत एदे जो मसाइल ने एदा सत्ते बाब अगर चाहते हो सब नालों पहले अपने आप नू करना होएगा। हजरात जिन असलाफ ने अपने आप नु ठीक किया है कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, फिर अल्लाह ने दुनिया ते भी इज्जत दितियां आखरत के अंदर भी इज्जत दिंदा है। और मैनू याद आए मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा जिन्हां ने हर वक्त अल्लाह दे नाल लौ लगाई है, पेटां ते पत्थर बन लै लेकिन कदी रब दा दर छड़िया, हलाल दे नेड़े रहने हराम दे नेड़े तक नहीं गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हमदो सना दे बाद अनगिनत बेशुमार ला तादाद दुरूदो सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया हबीब खुदा इमामुल हरमैन सैयदुस साकालैन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल्लिल आलमीन, मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस व अतहर व बालाते। अज़ीज़ भाइयों, मुहसन बुजुर्गों और दोस्तों, काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ात माओं और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी भी मखलूकात नू पैदा कीता है तमाम मखलूकात दे अंदर कोई भी मखलूक ऐसी नहीं, फरिश्तियां दे विचों कोई फरिश्ता ऐसा नहीं, इंसानां दे विचों कोई इंसान ऐसा नहीं, जानवरां विचों कोई जानवर ऐसा नहीं, दरिंदियां विचों कोई दरिंदा ऐसा नहीं, परिंदियां विचों कोई परिंदा ऐसा नहीं, पानी दे कतरात दे विचों कोई कतरा ऐसा नहीं। और जर्रात दे विचों कोई जर्रा ऐसा नहीं जेड़ा अपनी मर्जी नाल हरकत करे। तमाम मखलूकात इंसान समेत जिदों तक अर्श वाला रब ना चाहे मेरा ईमान है कि एक पत्ता भी अपनी जगह तो हरकत कर सकता नहीं, अल्लाह दी मर्जी तो बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं करता। रब ना चाहे तो पानी का एक कतरा भी अपनी जगह तो नहीं हिल सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चंद है वही कुछ होंदा है, जिस काम के अंदर रब राजी होंदा है वही काम होंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ ते मालक है,
वो अपनी मर्जी का मालक है, अल्लाह किसी के ताबे नहीं। वो अपनी मर्जी का मालक है, अल्लाह किसी का पाबंद भी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक के मुख्तलफ मुकामात के अंदर अगर कुरान पाक नू बगौर पढ़िया जाए, कुरान पाक का बगौर मुताला किया जाए तो इंसान का यह अकीदा बन जाता है कि जो कुछ होंदा है अल्लाह की मर्जी नाल होंदा है, जो अल्लाह चाहता है उही कुछ होंदा है, अल्लाह की मर्जी तो इलावा कुछ हो सकता। इस वक्त साडे मुआशरे के जो हालात ने इहदा बुनियादी सबब यह भी है कि साडा अकीदा इस बात पर पुख्ता नहीं। अगर साडा ईमान और अकीदा बन जाए कि जो चाहता है अल्लाह करदा है, जिस तरह चाहे उस तरह करदा है, हर चीज़ अल्लाह की मर्जी के ताबे है, तो फिर बंदा कभी भी खुदकुशी नहीं करता। जिस बंदे का ईमान होए ना, जो कुछ करदा है अल्लाह करदा है, तो फिर बंदा खुदकुशी नहीं करता। अगर बंदे का ईमान इस बात पर पुख्ता होए कि जो अल्लाह चाहता है वह कुछ होंदा है, तो बंदा फिर बेरोज़गारी दे तो तंग हो के अपने बच्चे ज़िबा नहीं करता। अगर मोमन का ईमान इस बात पर पुख्ता हो जाए कि जो चाहता है अल्लाह करदा है, अल्लाह की मर्जी तो इलावा कुछ नहीं होंदा, तो फिर बंदा कभी भी अल्लाह दियां नाफरमानियां नहीं करता, दुकान पर बह के झूठ नहीं बोलता, घट नहीं तोलता, किसी नाल फ्राड नहीं करता। जो पता चल जाए कि वही होंदा जो रब चाहे, रब दे चाहन तो इलावा कुछ भी हो सकता नहीं। इस हवाले नाल चंद बातां तुहाडे अज दे इस खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर गोश गुजार करना चाहना। आइए जरा कुरान पाक दे एक दो मुकाम समात फरमाना ताकि तुहानू समझ आ जाए कि इंसान दे उत्ते जड़े दुख ते तकालीफ ते परेशानियां आंदियां ने ये अल्लाह दी तरफों आंदियां ने। आमाल साढ़े का नतीजा है लेकिन आंदियां अल्लाह दी तरफों ने। कुरान पाक समात फरमाना 28वां पारा सूरत तगाबुन दी 11 नंबर आयत अल्लाह फरमांदे ने है मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाजल फरमाया फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बी इज़्निल्लाह वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बा वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। इस आयत का तर्जमा करन तो पहले एक बात तुहानू समझाना चाहना वा। अक्सर लोगों के दिल अंदर एक गल आ सकती है कि जो रब चाहे वह हुंदा है, तो फिर असी जिहड़ी खुदकुशी करदे ये भी तो शायद रब की रज़ा होए, या बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो ये बंदे कई कहिंदे ने ते जे रब ने लिखिया तो फिर असी इंजी हाँ। इस दे मुतल्लक मुहद्दिसीन जवाब दिंदे ने इस बात का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साडी तकदीर नू लिख दिता है अपने इलम के मुताबक। अल्लाह नू पता सी कि आ मेरा बंदा जेड़ा दुनिया ते पैदा होया है इन्हें आ काम करने ने। अल्लाह ने वो तहरीर अंदर ले आंदे ने, किताब अंदर लिख दिते। अल्लाह नहीं, अल्लाह किसी बंदे ते जुलम करदा? बोलो रब किसी बंदे ते जुलम करदा? अल्लाह ते मुहब्बत ते प्यार करदा अपने बंदे नाल 99 मावां नालों ज़्यादा मुहब्बत अल्लाह प्यार करदा है। लेकिन ये बंदे दी फितरत रब नू मालूम सी कि इस मेरे बंदे ने आ कुछ करना है। अल्लाह ने अपने इलम के मुताबक लिख दिता। अल्लाह के इलम का अहाता हो सकता? मेरे रब का इलम का अहाता नहीं हो सकता। तवज्जो करना फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन।
इल्ला बी इज़्निल्लाह व मैं युम्मिन बिल्लाहि यहदी कल्बा वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन, बंदे नु जेड़ियां तकलीफां आंदियां ने, बंदे नु जेड़े दुख आंदे ने, बंदे नु जेड़ियां परेशानियां आंदियां ने, मा असाब मिन मुसीबतिन, ए अल्लाह दी तरफो मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बी इज़्निल्लाह, ए अल्लाह दी तरफो ने, व मैं युम्मिन बिल्लाही, ते जेड़ा बंदा अल्लाह ते ईमान ले आंदा है, जेड़े बंदे दा अल्लाह दी तौहीद ते पक्का ईमान है, जेड़े बंदे दा इस बात ते ईमान है कि जो अल्लाह चाहे वो कुछ हुंदा है, रब दी मर्जी तो बगैर कुछ नहीं हुंदा है। फरमाया व मैं युम्मिन बिल्लाही यहदी कल्बा, ते अल्लाह इन्हां मुसीबतां दे अंदर, अल्लाह इन्हां तकलीफां दे अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां परेशानियां दे अंदर, बेरोज़गारी दे अंदर, इन्हां जनाब गुरबतां दे अंदर, व मैं यहदी कल्बा, अल्लाह उस बंदे दे दिल अंदर इत्मीनान पैदा कर दिंदे ने। जिस तरह बच्चा रोंदा है ते बच्चे दी माँ जेड़ी है बच्चे नू दलासा दिंदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जेड़ा बंदा रब ते ईमान रखदा है, अल्लाह फरमांदे ने वम बिल्लाही यहदी कल्बा, जेदा ईमान अल्लाह ते होए ना, अल्लाह ओदे दिल नू इत्मीनान दे दिंदा है, इन्हां परेशानियां दे अंदर अल्लाह ओदे दिल नू मजबूत कर दिंदा है, फिर बंदा खुदकुशी वल नहीं जांदा, रब वल आ जांदा है। कोई परेशानी आई है ते गलतकारी वल नहीं जांदा है, बल्कि रब दे सामने आके झोली फैला लैंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बी इज़्निल्लाह व मैं युम्मिन बिल्लाहि यहदी कल्बा वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। ए सूरह तगाबुन ते कुरान पाक दा दूसरा मुकाम, फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन कबल अन नबराहा इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। फरमाया इस जमीन दे उत्ते यकदम जदों कोई तकलीफ आंदी है, परेशानी, जलजले दी सूरत अंदर, सैलाब दी सूरत अंदर, पूरे शहर दे उत्ते अल्लाह दी तरफों कोई मुसीबत दी घड़ी आ गई है, फरमाया मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्जी वला फी अनफुसिकुम, या बंदे कल्ले नु कोई तकलीफ आ गई है, परेशानी आ गई है, फरमाया इल्ला फी किताबिन, अल्लाह दी तरफों आंदी है, अल्लाह ने ये चीज लिखी हुंदी है, अपने कोल पता चलिया तकलीफ कोई परेशानी कोई भी मुसीबत आती है ते केदी तरफों अल्लाह दी तरफों, ते फिर जो बंदा इस तकलीफ दे उत्ते अल्लाह वल रजू कर लेंदा है, अल्लाह दे दरबार ते आके रब नाल कला मिला लेंदा है, फरमाया फिर रब ओदियां परेशानियां आसानियां अंदर बदल दिंदा है, अल्लाह ओदे दुखां नू सुखां अंदर बदल दिंदा है। जेड़ा बंदा रब नाल लौ लगा लै फिर अल्लाह ओदियां परेशानियां दे हल दे असबाब पैदा कर दिंदा है। कुरान पाक दा एक और मुकाम, फरमाया व मा तशाउना इल्ला अय्यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। फरमाया जो बंदा चाहे ओ नहीं हुंदा है, जो रब चाहे ओ हुंदा है, बंदे दे चाहन नाल कुछ नहीं हुंदा, बंदा ते बड़ा कुछ चाहंदा है, लेकिन आइए तो हजरत अली
अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली नु किसे ने पूछया सी ना ऐ अली जी तुसी रब नु पहचानया है ते किंज पहचानया है। वैसे ते रब बंदा पहचानना चाहे ते बंदा आसमान वल नजर दौड़ाए ना है। पता लग जांदा है रब है वे जिन्हें ये आसमान दियां सत मंजिला तय बा तय बनाइया ने। अगर बंदा वेखना चाहे ना जमीन ते नज़र दौड़ाए पता लग जांदा है रब है वे जिन्हें जमीन दियां तैवां बनाइया ने। इस जमीन दे थले पानी दे चश्मे चलाए ने। अगर बंदा आसमान दे सन चन ते सूरज ते नज़र दौड़ाए ना पता लग जांदा है रब है वे जिहड़ा ये निजाम चलाण वाला है जिहड़ा इस कायनात नू चलाण वाला है। बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए ने लेकिन कोई बंदा नहीं इस बात का इहाता कर सकया कि मशरक की इब्तदा कित्थों हुंदी है आसमान की इंतहा कित्थे हुंदी है। जिन्नी मर्जी साइंस तरक्की कर गई है इस नतीजे ते नहीं ना पहुँच सकी। ये सारिया चीज़ा देख के सानू पता चलता है कि रब है वे ये सारिया चीज़ा दस दियां ने। रब है वे जिन्हें आसमान बगैर सतून तो बनाया इतना बड़ा आसमान थले पिलर भी कोई नहीं थले सतून भी कोई नहीं बनाया। फिर असी छत बनाने 100 फुट का लेंटर पाना होए ना इंजीनियर आ जाते ने ये थले इन्ने बीम पैणगे इन्निया जनाब ये थले सपोर्टा दित्तियां जाणगियां लेंटर पै जांदा है फिर इनू सजाया जांदा है ग्लोब लगा के लाइटां लगा के रंग बिरंगियां रोशनियां करके। अल्लाह जी तुसी इड्डा वड्डा आसमान बनाया है ते इस छत नू सजाया किवें। फरमाया मैं बहुतियां लाइटां कोई नहीं लाइया सिर्फ 2 ही लाइटां ने एक सूरज एक चन्न। दिन हुंदा है सूरज तलू हुंदा है पूरी कायनात नू रोशन कर दिंदा है। रात पैंदी है ते चन्न रोशनियां बखेर दिंदा है ते बाबा जी तड़पे फरमांदे ने 2 दीवे आसमानी बल दे ते घर घर चानन लावण। हर हर बंदा जित वल जावे ओ नाल बराबर जावण ते आबद जाहिद फासक फाजर ते नाफरमानी वाले ओ सब सरकारी लंगर खावण ते रब पालनहारा पाले ते जाता अमला बाजों जे कर ओ घट वद रिजक पुचेंदा रब आलम किवें संदेंदा ते राजक न कहा जांदा। व मां तशाऊना इल्ला अयशाला। अली जी दसो ना तुसी रब नू किवें पहचानिया। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने मैं रब नू इंज पहचाने है कि जेड़ा इरादा मैं कर दवा रब मेरा इरादा ढा के ते जेड़ा रब दा इरादा हुंदा है ओ हो जांदा है। मेरे इरादे ढह जांदे ने रब दा इरादा गालब आ जांदा है। व मा तशाऊना इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। जो बंदा चाहता है ओ बोलो हुंदा ओ नहीं हुंदा है जो रब चाहे ओ हुंदा है। आओ जरा अगली दलील। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अकाली सलाम तशरीफ फरमाने मक्के दे मुशरक ते काफर कट्ठे हो के आए। इन्हां नबी पाक कोलों चंद सवाल कीते ने असहाबे काहफ दे बारे पुछे आए। इन्हां ने जनाबे रूह दे बारे पुछे आए। जुलकरनैन
दे बारे सवाल किया है ते मेरे आका अली सलाम फरमाते ने इंज करो ना कल आया जे मैं कल दसांगा ते मेरे नबी ने नहीं आख्या इंशाअल्लाह कल दसांगा। ये जुमले मेरे पैगंबर अली सलाम की जुबान चो नहीं निकले ते मेरे रब ने वही करके मेरे पैगंबर नू दसिया कोई नहीं दसिया। 17 या 18 दिन वही बंद रही है लोग गल्लां करन लग पे माजल्ला मुहम्मद ते जिहड़ा शैतान आंदा सी अस्तगफिरुल्लाह वह आना बंद हो गया गल्लां खत्म हो गई ते मेरे रब कोलों मेरे पैगंबर ने दुआवां कीतियां ने अल्लाह ने आसमान तो कुरान नाजल फरमाया फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फावा ववजदका ज़ाल्लन फहदा। मेरे अल्लाह ने कसम उठा के आखिया फरमाया सोनिया असा तेनू कला नहीं छड़िया। ये आंदे ने तेनू कल्ला छड़ दिता है असा तेनू कल्ला नहीं छड़िया सुनिया सी ते तेनू उदों कल्ला नहीं छड़िया जदों अब्दुल्ला तो बगैर पैदा होया असी तेनू उदों कल्ला नहीं छड़िया जदों लोग तेरे पत्थर मारदे सी असी तेनू उदों कल्ला नहीं छड़िया जदों लोग तेरे ते ओजड़ियां सुटदे सी सुनिया असा तेनू कल्ला नहीं छड़िया असी तेरे नाल आए पल सोनिया हुंदा ओई है जो मैं रब जाना तेरे चान नाल कुछ हुंदा जो तू चाहे ओ नहीं हुंदा जो मैं रब चाहवा ओ हुंदा है वमा तशाउन इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरे पैगंबर अलैहि सलाम दी ख्वाहिश सारा मक्का मुसलमान हो जाए कुरैशी मुसलमान हो जान मेरे चाचे बाबे मुसलमान हो जान मेरे पैगंबर ने इस खातर इस बात की खातर तकलीफां बर्दाश्त कीतियां पत्थर बरसाए गए मेरे पैगंबर ने बर्दाश्त कीते मेरे पैगंबर दियां बेटियां नू तलाकां होईयां मेरे नबी ने बर्दाश्त कीतियां ने कि ए मुसलमान हो जान ते ए नबी पाक दी ख्वाहिश है कि सारा मक्का मुसलमान हो जाए पल मेरे रब दी बोलो नबी पाक चाहते ने रब नहीं चाहता ते मेरे नबी पाक दा सका चाचा हजरत अली अल मुर्तजा आए आके फरमाते ने सोनिया तुहाडे नाल मुहब्बत करन वाला चाचा अज मरजुल मौत दे करीब करीब है मौत दे करीब है तशरीफ ले आओ तुहाडे चाचे की तबीयत बड़ी खराब है ते मेरे आका दौड़ के गए चाचे की मुहब्बत मेरे पैगंबर इस्लाम दे दिल अंदर मौजज़ाने मेरे आका जाके सराने बह गए चाचा बड़िया मुहब्बत कीतिया ने मेरे नाल चाचा बड़ा प्यार किया है मेरे नाल चाचा मेरी खातर मक्के वाले नाल लड़ाइया लड़िया ने चाचा इंज करना कलमा पढ़ लै कल क़यामत दा दिन होएगा मैं रब दे दरबार अंदर तेरी सिफारिश कर छड़ांगा तेरी शिफात कर छड़ांगा चाचा 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 चा रब अल्लाह दे नबी चाहते ने चाचा मुसलमान हो जाए पर अल्लाह चाहता अल्लाह चाहता अल्लाह नहीं चाहता जो नबी चाहे ओ नहीं हुंदा जो रब चाहे ओ हुंदा है जो वली चाहे ओ नहीं हुंदा जो रब चाहे ओ हुंदा है जो अली चाहे ओ नहीं हुंदा जो रब चाहे ओ हुंदा है वमा तशाउना इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरे पैगंबर चाचे दे सराने बैठे ने चाचे ने कलमा कोई नहीं पढ़िया ते कुरान बोलिया फरमाया इन्ना कला तहदी मन अहबब तवला किन अल्लाह यहदी मैयशा फरमाया सोने जिनू मैं हदायत ना दवा तू दे सकदा
तू नहीं दे सकदा। वमा तशाउना इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। ओ हुंदा है जो रब चाहे, जो बंदा चाहे ओ नहीं जे हुंदा। आओ जरा कुरान पाक दा एक और मुकाम सुनना। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक दे अल्लाह ने कुरान पाक नाजल कीता है। जनाबे सैयदना मूसा अलैहि सलातु वसलाम, फिरौन चांदा है मैं पैदा नहीं होन देना, रब चांदा है मैं पैदा करना है। फिरौन ने ऐलान कर दिता है बनी इसराइल दा कोई बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, सारे बच्चे बनी इसराइल दे सिबा कर दिते जाएंगे। ते हवारी कटे हो के वजीर मशीर कटे होए कहन लगे सरकार किंज दा आर्डिनेंस पास कर रहे हो, जे ये बिल पास हो गया कि बच्चे जिंदा नहीं रखने बनी इसराइल दे, साढ़े काम कौन करेगा, साड़ी नौकरी कौन करेगा। लिहाजा आर्डिनेंस अंदर तरमीम हो गई है, एक साल बच्चे जिंदा रखे जाएंगे, एक साल बच्चे मार दिते जाएंगे। अल्लाह सोनिया तू मूसा नू साल पैदा करेगा जिस दिन बच्चे जिंदा रखे जाएंगे। फरमाया जे उदों जिंदा रखिया तो फिर मेरे रब होंदा की फायदा है, मैं तो उदों मूसा नू जिंदा रखांगा जदों तलवारां चलदियां होणगियां, कवाड़ियां चलदियां होणगियां, नेजे चलदे होणगे, मैं मूसा नू पैदा भी करांगा, पैदा करके फिरौन दे घर ना पा लिया ते मैनु रब किने कहना है। वमा तशाउना इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। दुनिया दा बादशाह कहंदा है मैं पैदा नहीं होन देना, ते अरशां दा मालक कहंदा है मैं पैदा भी करना है, तेरे घर भी पैलना है, तेरी परवरिश अंदर भी रखना है। ते जनाबे मूसा पैदा हो गए ते मां मां हुंदी है, जनाबे मूसा दी मां ने इंज हत्थां ते चुके है। अल्लाह सोणिया इन्ना सोहना पुत्र अता कर दिता है, अल्लाह हुणे ही फिरौन दियां फौजां आणगियां, मेरे बच्चे नूं लै जाणगियां, मेरा बच्चा ज़िबा कर दिता जाएगा। फरमाया मूसा दी मां परेशान ना हो, मैं जिस रब ने दिता है इहदियां हिफाजतां भी मैं करनियां ने। ते कुराने पाक ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचे है, फरमांदे ने वा आओ है ना इला उम्मी मूसा अन अर्दी ही वा इदा खिफ्तियां लई ही फाल की ही फिल यम्मी वला तखाफी वला तहजनी इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलील। फरमाया मूसा दी मां परेशान नहीं होना, अपने पुत्र नू दुध पिलांदी जा, जिदो खतरा मोल होए ना, जिदो खतरा महसूस होए ना, अपने पुत्र नू एक संदूक अंदर बंद करके ते पानी दे अंदर बहा दे। अल्लाह सोणिया जे फिरौन दुश्मन है ते पानी दियां मौजां भी ते दुश्मन ने ना, अल्लाह जे उधरों बचेगा ते मेरा पुत्र पानी विच रुड़ जाएगा। फरमाया मूसा दी मां परेशान नहीं होना, मूसा दी मां नू खतरा महसूस होया, मूसा दी मां ने जनाबे मूसा नू संदूक अंदर पाया ते पानी दियां लहरां दे सपुरद कर दिता है, ते पानी दियां लहरां पास जबाने हाल पुछदियां होणगियां। अल्लाह दसना मूसा नू किधर लैके जाना है, फरमाया किधरे नहीं लैके जाना, फिरौन दे महल वल लैके चलो ना। ये कहिंदा मैं रहन नहीं देना, मैं रब इहदे घर ना पालिया ते मैनूं रब किहने कहना है। वमा तशाउना इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। मूसा दी मां ने पानी दियां मौजां दे हवाले कर दिता है, ते नाल ही अपनी बेटी नूं बुलाया है, बेटा जाना अपने वीर दे संदूक
बंदूक दे नाल नाल किनारे तुरी जाना है। वेखी तेरा वीर किधरे जाता है। इधर फिरौन दी बीवी ते ओदियां सहेलियां ने संदूक वेखे है, संदूक लिया ते खोलिया, विचों खूबसूरत बच्चा निकलिया है। ते फिरौन कहन लगा असी घर रखना, आसिया किते ओही ना होए जेदी खातर बच्चे जिबा किते जा रहे। ते आसिया कहंदी है मैं मरण देना फिरौन, मैं मरण देना। ए रब दियां मर्दी ओ चांदा सी मारना, रब ओते कर ले आया। वा मा तशाउन इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। ओ कहंदा ए ओही ना होए, ओ कहंदी है मैं मरण नहीं। ए हुकूमत भी बड़ी डाडी हुंदी है, इहदे अगे वड्डे वड्डे घुटने टेक जाते हैं। घर की हुकूमत जिहड़ी है उहदे अंदर बंदा बेबस हो जाता है। ऐ बादशाह अपने आप नूं रब कहिंदा है ते बुढ़ी दे अगे घुटने टेक गया, ठीक है जी जिवें तुहाडा हुक्म होए। हुण इंजी नहीं कहन लगी, इहदे दुध का बंदोबस्त करो। जनाबे मूसा इंज दाइया आ रही ने, मूसा नूं दुध पिलाने की कोशिश कर रही। तो जनाबे मूसा नूं अल्लाह फरमाते ने मूसा दुध पीना, किसी का दुध नहीं जे पीना। जनाबे मूसा फरमाते हो गए अल्लाह की करना भुख लगी है। फरमाया मूसा मैं तेरी माँ नाल वादा किया है, दुध भी पिलाना है ते तेरी माँ का पिलाना है। फिरौन दे घर अंदर पालना है, दुध भी तेरी माँ का पिलाना है। फिर अल्लाह ने वादे पूरे कर दिते, माँ का दुध भी जनाबे मूसा नूं मिले। तो नबी पाक सल्लम फरमाया करते सन कि मूसा की माँ भी अजीब है, दुध भी अपने पुत नूं पिलांदी है ते पैसे भी फिरौन कोलों लैंदी है। हैं दुध भी अपने पुत नूं पिलाया ते पैसे भी फिरौन कोलों लै। वा मा तशाउना इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। जो बंदा चाहे वो नहीं हुंदा, जो रब चाहे वही कुछ हुंदा है। फिर होया रब ने करके विखाया जनाबे मूसा, फिरौन दे घर अंदर पाल के विखाए। रात आगे एक और नबी ने नाम है जनाबे सैयद ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तू असलाम जसा का बाप भी बुतां दा पुजारी है, कौम भी बुतां दी पुजारी है। ते जनाबे सैयद ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तू असलाम फरमाया तल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम। अपनी कौम वालियां नूं रब दी तौहीद दा ऐलान कीता है, कौम वाले नहीं मन्ने ना। इन्हां दे बुत खाने जाके बुत तोड़ दिते, बुत भन दिते। ते जनाबे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं पकड़ लिया, कहन लगा इब्राहिम बाज आ जाए। हजरत इब्राहिम रब दी तौहीद दी दावत दिंदे जा रहे ते कहन लगा इंज करो ना अग दा अलाओ जलाया जाए। अग जलाई गई है। जनाबे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हुण फिरौन चाहुंदा है मूसा नूं अग अंदर साड़ना है, ते रब चाहुंदा है मैं सड़न देना। वमा तशाउना इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं पकड़िया गया, इंज अग दे अंदर सुट दिता गया है। ते जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग दे अंदर, ते अल्लाह फरमांदे ने कुल्ला या नारुकूनी बरदं असलामन अला इब्राहिम। ऐ अग तेरी फितरत तू जला दिंदी है, तू साड़ दिंदी है, पर अज तेरी फितरत नहीं चलनी, मैं रब दी कुदरत चलेगी। अज तेरी फितरत नहीं चलनी, मैं रब दी कुदरत चलेगी। ते फरमाया कुल्ला या नारुकूनी बरदं असलामन
आला इब्राहिम, इब्राहिम दी इब्राहिम वास्ते अग नू अल्लाह हुक्म दे रहे ने अग ठंडी हो जा, कल्ले ठंडिया नहीं होना, सलामती वाली हो जाए। जनाबे इब्राहिम अग दे अंदर ना सेक लगे आए ना पसीना आए, सलामती दे नाल अग दे अंदर मौजूद ने। ते दो जानवर एक छिपकलीए ओ फूका मार दिए ते चिड़ी अग बुझाने की कोशिश कर दिए, हालांकि पता है चिड़ी दियां फूका नाल अग बुझनी, बोलो अग नहीं जे बुझनी, लेकिन चिड़ी जेड़ी है इब्राहिम वाले गिरोह दे अंदर शामिल ते छिपकली गुस्ताखे अंबिया दी लिस्ट अंदर। माँ जी सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाहु ताला ने एक नोकदार छड़ी घर के अंदर रखी। सियाबा पुछदे ने माँ जी ये छड़ी क्यों रखी हुई है, फरमाया इहदे नाल मैं छिपकली नूं मार दियां जेड़ी इब्राहिम दी चीखा नूं फूका मार दी जी। गुस्ताख चिपकली भी बर्दाश्त नहीं ते गुस्ताख बंदा सानू बर्दाश्त, और नबी दा गुस्ताख सानू बर्दाश्त, सानू ते नबी दा गुस्ताख जानवर बर्दाश्त नहीं ते बंदा कितों बर्दाश्त। अलगरद व मा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो बंदा चांदा है ओ नहीं हुंदा, जो रब चांदा है ओ ही हुंदा है। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा इलाका चांदा है, वक्त दा हुक्मरान चांदा है, सका बाप चांदा है, अग अंदर सुट दो जल जाएगा सड़ जाएगा है, पर मेरा रब चांदा, मेरा रब नहीं सी चांदा है। ते अल्लाह ने बिचा करके दिखाया है, ओए फैसलाबादी आ मंसूराबादी आ ना परेशान होया कर इना गुरबतां तो, ना परेशान होया कर बेरोजगारियां तो। हाँ हाँ इस बात के अंदर शक कोई नहीं, हर बंदा ही परेशान नज़र आ रहे है, मुल्की हालात कुछ इस तरह दे हो गए। लेकिन अल्लाह की कसम है अगर तू अपनी लौ रब नाल लगा लेगा, अगर दीन नाल जुड़ जाएगा, अगर कुरान और सुन्नत नाल जुड़ जाएगा, अल्लाह की कसम रब ये हालात भी बदल के रख देगा। और मेरे रब दिया मर्जियां जेड़ा रब लखा पतिया कख पति कर सकता है, और रब कख पतिया लख पति भी करन ते कादर है। वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं शुरू अंदर आयात पढ़िया ने ना कि मुसीबत अल्लाह दी तरफों आती है, दुख अल्लाह दी तरफों आंदा है, तकलीफ अल्लाह दी तरफों आती है, लेकिन ये असबाब असी लोग आप पैदा करते हैं। मैं समझदा वा अज जेड़े साडे मुल्क दे हालात ने ये सब नालों बड़ा सबब है, वे असी रब नाल ताल्लुक छड़ दिता है, असी रब नाल राबता छड़ दिता है, असी कुरान हदीस तो दूर हो गया। दुकान ते बैठा दुकानदार है, मैं हाथ जोड़ के तेरे को माजरत नाल कहना चाहना है, मैनू दस ना केड़ा दुकानदार है, शादो नाजर कोई सोच एक अद्धा है जेड़ा झूठ ना बोलता है, वरना असी समझते हैं अगर झूठ ना बोलिया साडा सौदा नहीं विकना, अगर घट ना तोलिया तो साडा घर नहीं चलना है, अगर दुध अंदर पानी ना पाया तो साडा घर नहीं चलना है। असी मिर्चा तक दे अंदर मिलावट साडे अंदर, हलाल तो असी दूर हाँ, हराम नू पसंद करते हैं। और जाइए जाइए सिर्फ दुकानदार और बिजनेसमैन नहीं, पूरे मुआशरे के अंदर मैं कहा करदा अला वजहिल बसीरत कहना चाहना, उलामा तो लैके सियासतदान होए आलम दीन होए, अज हर बंदा जनाब अफसर शाही होए, हर बंदा करप्ट हो चुके है, मिंबर ते खड़ा खतीब दे अंदर भी लालच और तमा आ चुकी है, अखलास नहीं। और अफसर जो बैठा है रिश्वत तो बगैर कोई काम साडे मुल्क दे अंदर नहीं, और साडी गुरबत एदे जो मसाइल ने एदा सत्ते बाब अगर चाहते हो सब नालों पहले अपने आप नू ठीक करना होएगा। हजरात जिन असलाफ ने अपने आप नू ठीक किया है कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी
जिंदगी गुजारीए। फिर अल्लाह ने दुनिया से भी इज्जत दितियां, आखरत के अंदर भी इज्जत दिंदा है। और मैनू याद आए मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर इस्लाम दे सहाबा जिन्होंने हर वक्त अल्लाह दे नाल लौ लगाईए, पेटा ते पत्थर बन ले, लेकिन कदी रब दा दर छड़िया, हलाल दे नेड़े रहने, हराम दे नेड़े तक नहीं गए। और मैनू याद आए मौलाना अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया सुनांदे हुंदे सन। साडी जनाब जमात दे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे ने, नाम हजरत मौलाना अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह। फरमांदे ने कि वो जड़े बुजुर्ग सन ना, नाम उन्हों का सी शाह साहब सी कोई, साड़ी जमात के बहुत बड़े मारूफ शाह मुहम्मद शरीफ करपालवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग साड़ी जमात बुजुर्ग जानते ने, शाह मुहम्मद शरीफ करपालवी रहमतुल्लाह अलैह माली पटवारी होंदे सन, माली पटवारी। तो साडे मुआशरे अंदर वो शुरू तो ही चलता है, मौलाना फरमाते सन, मैं सुनया कहिंदे सन कि जिहड़ा माली पटवारी होए वो नेक हो सकदा, जिहड़ा माली पटवारी होए वह नेक नहीं हो सकता, उन्हें पैसा खा, क्योंकि कई साथी खुद नाम भी लेना चाहन ते अफसर मजबूर कर देंदे ने रिश्वत लैन ते माल खान ते। ते मौलाना शाह मुहम्मद शरीफ करपालवी रहमतुल्लाह अलैह माली पटवारी सन, ते रिश्वत नहीं लेंदे सी, ते तहसीलदार अंग्रेज हिंदू तहसीलदार सी। उन्हें एक दिन मौलाना शाह मुहम्मद शरीफ करपालवी रहमतुल्लाह अलैह नूं बुला के आखे है, मेरे वास्ते बालन का बंदोबस्त कर, घर चलाने वास्ते, जलाने वास्ते गैस कोई नहीं हुंदी सी। ते मौलाना शाह मुहम्मद शरीफ करपालवी है माली पटवारी ने पल किसे कोलों बालन भी मंगना गवारा नहीं कीता, खुद चले जाते जंगलों के अंदर जड़ियाँ लकड़ा टुटिया होंदिया गिरिया होंदिया कट्ठिया करके सिर ते रख दे, लिया करके तहसीलदार नू दे देंदे। तहसीलदार कहन लगा यार है बाबा अजीब बंदा है, ना सानू खान दिंदा है ना आप खांदा है। उन्हें जनाब एक लंबड़दार मुसलमान लंबड़दार नू सद्या, उन्हें कहा यार इस मौलवी का कोई बंदोबस्त करो, ना आप खांदा है ना सानू खान दिंदा है। ते मुसलमान लंबड़दार ने एक दरखास्त एसी दे अंग्रेज एसी दे सामने लियांदी कि आ जिहड़ा शाह मुहम्मद शरीफ करपालवी ए ना इन्हें मेरे कोलों रिश्वत मंगी है। अंग्रेज जानदा सी कि ए मौलवी रिश्वत लैंदा, इनू ते असी भेजी दे किते कोई काम कराना होए। बरल पंचायत लग गई, अदालत लग गई, गवाहियां पै गई, तो अंग्रेज कहन लगा ओए शाह मुहम्मद शरीफ मैनू दस ना तू रिश्वत लई है कि नहीं लई। तो शाह साहब कहन लगे मैं तेनू अपनी गवाही किवें दे सकदा, इंज करना मैं अपनी, मैं तो दूर की गल कदी हराम खादा होए, मैं तो कदी अपने जानवरों नू भी हराम नहीं खिलाया, अगर वेखना चाहना है इंज करना आप 5 रुपए मेरे को लै लै, ते जाना इस 5 रुपए दे भी पट्ठे ते चारा लै आ, ते एक चोरी दे पट्ठे किधरों लै आ, ओ फलान जगह ते मेरा घोड़ा बनया है, ओनू जाके पहले हलाल दे पैसिया दे पट्ठे खिलाई, खा गया ते ठीक है, अगर फिर हराम दे खिलाएगा, अगर हराम पैसिया दा चोरी दा माल मेरा घोड़ा खा गया ते समझ लई मैं भी हराम खाना है। ए अंग्रेज कोलों उठे ते रब अगे हाथ खड़े कर ले, अल्लाह सोनिया अज तक कदी हराम नहीं खादा, अल्लाह अज मेरे ते इतने अल्जामात लग गए, अल्लाह मेरी मदद फरमा। फिर रब ने मदद फरमाई है, अंग्रेज ऐसी उठदा है जेड़े हलाल दे पैसों दे मौलाना शाह शरीफ रहमतुल्ला अलैह दे पैसों दे पट्ठे घोड़े अगे रखे, घोड़ा चारा खा गया है, इन्हें अगों पट्ठे चुके ना, चोरी दे पट्ठे अगे रखे ते घोड़े ने मुँह पिछे कर लिया है, घोड़े ने वो चारा ही नहीं खादा है। ओए जेड़ा रब नाल लौ लगा लै, जेड़ा हलाल कमाना शुरू कर दे ओदियां इज्जतां अल्लाह रखदा है। फिर उस एसी ने इन्हां नूं माली पटवारी तो उच्चा अफसर ला दिता है कि तेरे वर्गे बंदियां दी सानूं जरूरत है। अलगरस दसन का मकसद ये कि साड़ी गुरबत का सब नालों वड्डा मसला है,
असी रब नालों अपना ताल्लुक तोड़ लिया है। असी हराम वाले पासे ज्यादा सोचते हैं, हलाल वाले पासे घट सोचते हैं। फरमाया वमा तशाउन इल्ला अय्यशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर अज गुरबतां दी वजह नाल तू किराए दे घर अंदर आ गए है, अज गुरबतां दी वजह नाल तेरे कोलो माल डंगर चला गया है, अज गुरबत दी वजह नाल तेरे कोलो पैसे मुक गए ने, ते खुदकुशी नहीं करनी, अपने बच्चियां नू सिबा नहीं करना, बल्कि अपने रब नाल लौ लगानी है। इधर वेखना अल्लाह दे एक नबी ने जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने नबूवत भी दिती है, अल्लाह ने माल भी दिता है, अल्लाह ने दौलत भी दिती है, बीवियां भी दितियां ने ते बच्चे भी दिते ने, हर तरफ रेल पेले मालो दौलत दी, हुण अल्लाह दी तरफों अजमैश आ गई है। ते कुरान आंदा है वा अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। जनाबे अय्यूब चाहते ने मेरा माल मेरे कोल रहे, मेरिया बीवियां मेरे कोल रहन, मेरी औलाद मेरे कोल रहे, पर रब चाहता रब नहीं चाहता। हौली हौली माल मरना शुरू हो गया, डंगर मुक गए, घर तबाह हो गया, बच्चे फौत हो गए, बीमारी ने घेरा पा लिया। जनाबे अय्यूब 17-18 साल इस परेशानी अंदर, इस बीमारी अंदर रह रहे ने, बीवियां भी छड़ के चलियां गईयां, ते एक बीवी रह गई करमा वाली नसीबा वाली जिदा नाम है माई रहमा। फरमांदियां ने अय्यूब जी अल्लाह को दुआई कर लो, अल्लाह साडे हालात ठीक कर छड़े। ते जनाबे अय्यूब फरमांदे ने नी रहमा तू ही परेशान हो गई है, रहमा जी इस हालत अंदर मेरे नाल नहीं रह सकती, ते तू ही छड़ के चली जाए। ते मौलाना ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी, फरमांदे ने चौथी जो बीवी आई हजरत अय्यूब बदी साबरां दी लड़ी इब्राहीम महबूब दी। ओए चौथी जो बीवी आई हजरत अय्यूब दी यूसुफ दी पोती ते पड़ पोती याकूब दी साबरां दी लड़ी इब्राहीम महबूब दी सबर विरसा जिन्ना ताई। ते जनाबे अय्यूब फरमांदे ने नी माई रामा तू ही तलाक लीले ते चली जा लीले। हजरत अय्यूब फरमांदे ने तलाक लै लै ते चली जा। ते माई रामा ने हजरत अय्यूब दा साथ नहीं छड़िया, बल्कि इन्हां दिनां अंदर अपने खामत दा हौसला बधाया। ओए बीवी नेक बीवी ओ हुंदी है जिहड़ी मुश्किल वक्त के अंदर खावत का साथ ना छड़े, आसानियां वाले दिन ना खावत की दोस्त बन के जिंदगी गुजारे, औखा वक्त आ जाए खावत बीमार हो जाए तो ये बीबिया चाहिए फिर खावत वास्ते डॉक्टर ते नसर नर्स बन के नाल जिंदगी गुजारण। हजरत अय्यूब अंसार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम माई रहमा नहीं गई इन्हें फिर रब दा दामन भी नहीं छड़िया। 18 साल दे बाद जिहड़ा मियां बीवी दा मुकालमा होया अल्लाह नू इतना पसंद आया, अल्लाह ने फरमाया उरकुद बिरिजली का हाजा मुगतसलुल बारी तू अशराब। ऐ अय्यूब मारो ना जमीन, पैर दे पैर मारो जमीन दे उत्ते, अल्लाह होएगा कि फरमाया पानी दा चश्मा निकलेगा। अल्लाह जे पा ए पैर ते जमीन ते रोज वजदे ने, फरमाया अज मेरे हुक्म नाल मारो ना, अगे तुसी चांदे सो ते शिफावां नहीं मिलियां, अज मैं रब चाह रहा ते मारो उरकुज बिरिजली का हादा मुगतसलुम बारी तू अशराब। जनाबे अय्यूब ने पैर जमीन ते मारिया, पानी दा चश्मा निकलिया, फरमाया नहा लोगे, अल्लाह जस्मानी बीमारियां
दूर कर छेगा। पी लोगे अल्लाह अंदरूनी बीमारियां रूहानी बीमारियां तो शिफा दे छेगा। अल्लाह ने शिफावान दे दतिया जो अयूब ने चाया ते नहीं मिलया, अज रब ने चाया ते सब कुछ ही मिल गया। वमा तशाउन इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। इधर जनाबे अयूब नू शिफा मिल गई है ते हुन रब ने माल भी देना शुरू कर दिता, सोने दियां टिड्डियां दा मीह पा दिता है। सही उल बुखारी दे अंदर सोने दियां टिड्डियां दा मीह पै गया। इधर मियाँ बीवी दोनों जल्दी जल्दी नाल सोना इकट्ठा करन लग पे। अल्लाह फरमांदे ने अयूब सोना चंगा लगन लग पाई। फरमाया अल्लाह सोना समझ के नहीं तेरी रहमत समझ के कठिया कर रहा। अल्लाह मैं ते उदों तेरा दर नहीं छड़िया जदों तू मेरे को मकान खोलिया। अल्लाह मैं तेरा दर नहीं छड़िया तू मेरे को औलाद खो ली। अल्लाह मैं तेरा दर नहीं छड़िया तू मेरे को माल डंगर खोलिया। अल्लाह मैं तेरा दर नहीं छड़िया मेरिया बीवियां छड़ के चलिया गई। अल्लाह का नबी नहीं चाहता सी पर रब चाहता सी सब कुछ खत्म हो गया। अज रब जेड़ा रब उदों ओ चाहता सी अज ओही रब सब कुछ वापस करना चाहता है। आज ही सब कुछ वापस करना चाहता है। वमा तशाउन इल्ला अय्यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। जो बंदा चाहता है वह हुंदा वह नहीं हुंदा, जो रब चाहता है वह हुंदा। मेरी पूरी तकरीर का खुलासा तवज्जो मेरे वर रखना। मुसलमान का काम नहीं ना मने, मुसलमान का काम नहीं ना मने। जे कुरान हदीस इस बयान हो जाए अज साड़ी सब नालों बड़ी वजह है। असी कुरान हदीस तो दूर हो गए हैं। बेरोजगारी साढ़े घर अंदर अज ना मुसीबत साढ़े घर अंदर। मुसलमान का कम नहीं ना मने जे कुरान हदीस बयान हो जाए। मुसलमान का कम नहीं ना मने जे कुरान हदीस बयान हो जाए। दसो अल्लाह दे नबी दी ख्वाहिश नहीं सी राहे रास्त हर इंसान हो जाए। नबी करीम ने किन्ना जोर लाया, नबी करीम ने किन्ना जोर लाया। चाचा अबू तालब मुसलमान हो जाए, चाचा अबू तालब मुसलमान हो जाए। पर उस पासे दी हमेशा ही जित हुंदी, उस पासे दी हमेशा ही जित हुंदी। जिस पासे दे वल रहमान हो जाए, जिस पासे दे वल रहमान हो जाए। नबी मुहम्मद नहीं बिगड़ी सवार सकदा। फिर झूठ बोलते ने गलत आखते ने कोई लेख विच मेख नहीं मार सकदा। नबी लेख विच मेख नहीं मार सकया फिर दूजा तीजा फिर किस तरह मार लेगा। बारह साल डुबया होया बेड़ा शाह जेलानी फिर किस तरह तार लेगा। मोइनुद्दीन चिश्ती डुबी होई किश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती डुबी होई किश्ती फिर किस तरह कर पार लेगा। जे कोई गंदे अकीदे दी नी उते मुशरक शिरक दी कंद सवार लेगा। फिर कोई मवाहिद तो ही दंग अलम फड़ के है कर उसनू मिस मार सकदा। फिर झूठ बोलते ने गलत आखते ने कोई लेख विच मेख नहीं मार सकदा। ते बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना, बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कोई ना। पईयां तियां ही बकरियां च
चार दिया बुढ़ा बाप शुएब ते पुत कई ना। शुएब चाहता है अल्लाह मेरे कोल भी बेटा होवे पर मेरा रब नहीं चाहता है। इधर ज़करिया चाहता है अल्लाह औलाद दे दे 80 साल तक रब नहीं चाहता ते नहीं दिती। पहला शुएब दा नहीं सी जी करदा चखे लज़तां ऐस बहार दिया पर उन्हों कौन पूछे तू की करदा है। उन्हों कौन पूछे तू की करदा है एते मर्जियां मालक मुख्तार दिया। दरअसल अकीदे दे कच्चियां ने शाना समझियां नहीं किरदगार दिया। अजे इब्राहिम गोदी चों टुर जावे मेरे नबी दा सका बेटा है मेरे पैगंबर दी गोद अंदर है। मेरा नबी नहीं चाहता मेरा पुत वफात पा जाए पर रब चाहता है इब्राहिम नू अपने कोल बुलाना है। अजे इब्राहिम गोदी चों टुर जावे अजे इब्राहिम गोदी चों टुर जावे ओनू रोक नहीं शाहे अबरार सकदा। फिर झूठ बोलते ने गलत आखते ने कोई लेख विच मेख नहीं मार सकदा। वमा तशा ऊना इल्ला अयशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। बंदा चाहे ते हुंदा कुछ जे रब ना चाहे बंदा टेल ला लै ते कुछ नहीं हुंदा। एक बड़ा वड्डा गुलूकार गुजरे है ना माइकल जैक्सन। इन्हें सोचा इन्हें चैलेंज किया कि मैं 150 साल तक जिंदा रहना है काला है। कह लगा मैं चिट्टा होना है। सर्जरी कराई काली चमड़ी उतारी चिट्टी बनाई तो रब ने कैंसर अंदर मुबतला कर दिता है। तो रोज़ाना ना डॉक्टरां दी टीम सुबह शाम एदा चैकअप करन आंदी है। एदी खुराक दा बंदोबस्त इन्हें एडवांस अंदर बंदे खरीदे ने कि अगर मेरी किडनी फेल हो जाए तो तू देनी है जिगर नू कुछ हो जाए तो तू देनी है। पैसे दे दिते ये आंदा मैं 150 साल मरना नहीं तो रब आंदा मैं तेनू 50 सालों तो वधन देना तेनू मैं रहन नहीं देना। ओए ए मर गया मेरे रब दी गल पूरी हो गई। ओए बंदा चाहे तो कुछ नहीं हुंदा हुंदा ओही है जो रब चाहे। वमा तशाउना इल्ला अयशा अल्लाह रब तो बगैर तो पता भी नहीं हिलदा। तो तुसी आंदे हो तकबर करदे हो असी मैं कणक पक जाए फसल तैयार हो गई जा कहंदे चोई साहब बड़ी सोहनी फसल होई है। कहंदा क्यों ना सोहनी होवे मैं अच्छी खाद पाई है मैं पानी लाया अद्धिया अद्धिया रातों उठ के हजे भी ना चंगी होए। रब आंदा है ओए फसल तैयार करन वाला कौन है। अल्लाह फरमांदे ने तेरिया खादा किसे काम दिया नहीं। रात नू गड़े पै के रब सारी फसल तबाह कर देवे उन्हूं पुछण वाला उन्हूं कोई पुछण वाला नहीं। चाहिदा ते ए वे कि बंदा हर हाल अंदर अल्लाह दे अगे हाथ जोड़ के खड़ा होए। अल्लाह खुशियां दितियां ने ते तां वी तेरी मर्जी। अल्लाह गुरबत अंदर रखिया ते तद भी तेरी रजा ते राजी आ। बस दुआ ए करिया करो अल्लाह किसे दा मुहताज ना बनाई। मौला ए लोगां दे अगे हाथ नहीं फैलाए जांदे अल्लाह तेरे कोलों मंगदे आ। साडियां गुरबतां तो सानू नजात दे दे अल्लाह साडे कारोबार बेहतर कर दे साडे मुल्क ते अल्लाह रहम फरमा दे। वमा तशाउना इल्ला अयशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। बंदा जो चाहे वो नहीं हुंदा जो रब चाहे ओही कुछ हुंदा है। अल्लाह कोलो दुआ है अल्लाह मैनू तुहानू कुरान नू सुन्नत नू समझ के सही मायने नाल अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावा अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।